मौलाना को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, सलाखों के डर से मौलाना कहां गायब हो गया। अपनी कौम को भड़काने वाले, सरकार को धमकाने वाले मौलाना तौकीर रजा इन दिनों फरार चल रहे हैं। बीते दिनों पहले तौकीर रजा पुलिस के लिए परेशानी बने थे, तो अब मौलाना को पुलिस ने परेशान कर दिया है। बरेली में साल 2010 के दंगों में मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बुधवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से तौकीर रजा फरार हो गए। इसके चलते पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। तलाश में सीओ संदीप के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली भी भेजी गई है। आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञान बापी के फैसले के विरोध में 9 फरवरी को इस्लामिया ग्राउंड में गिरफ्तारी का ऐलान किया था। इस दौरान मौलाना के बुलावे पर जमा हुई भीड़ ने खासा हंगामा भी किया था, मगर अब जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है तो मौलाना किसी चूहे के बिल में जाकर घुस बैठे हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद तौकीर रजा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वर्ष साल 2010 के दंगे के केस की सुनवाई में मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताकर तलब कर लिया है। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा भूमिगत हो गए हैं, तो सोमवार को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी कर एसएसपी को 13 मार्च को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट के अल्टीमेटम पर पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन मौलाना का कोई पता नहीं चला। पिछले दिनों गिरफ्तारी का अल्टीमेटम देने के बाद मौलाना के दोनों गनर हटा दिए गए थे। हालांकि बाद में उन्हें दोनों गनर फिर से दे दिए गए, मगर इस बार गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद मौलाना ने दोनों गनर को घर पर ही छोड़ दिया। मौलाना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दोनों गनर की भी मदद ले रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। खैर, अब पुलिस मौलाना की तलाश कर रही है, मगर तौकीर रजा पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि मौलाना को आप सलाखों का डर सता रहा है। लेकिन मौलाना तौकीर के इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना।